हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज बेल का शरबत बनाने जा रहे हैं। गर्मी का मौसम आ चुका है तो बेल का शरबत बनाते हैं। यहाँ पर एक बेल लिए हैं, इसको अच्छे से फोड़ लेते हैं हथौड़े या पत्थर पे, जिससे हो। यहाँ पर मैं फोड़ रही हूँ हथौड़े के सहायते से। मैं बेल को फोड़ ली हूँ यहाँ पे हथौड़े के सहायते से। इसको ऐसे अलग कर लेते हैं। यहाँ पर बेल का जो पल्प है इसको कटोरी में निकाल लेते हैं, बड़ा सा बर्तन में। बेल का शरबत गर्मी में बहुत ही फायदेमंद होता है। यहाँ पर बेल का पल्प निकाल लिए हैं, इसमें एक कप पानी डाल देते हैं। डाल के अच्छे से भिंगो लेते हैं। यहाँ पे आधा कप पानी और डाल रहे हैं इसमें। अगर किसी को लू लग जाए तो उसमें भी ये बहुत फायदेमंद होता है बेल का शरबत। पानी डाल दिए, इसको हाथ या मैसर के सहायते से अच्छे से मिला लेंगे। इसको मिक्सी में नहीं चलाना है, इसका बीज जो है वो उसमें करवाहट रहता है तो मिक्सी में पिस जाएगा तो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए मैसर से इसको चला लेते हैं। यहाँ पर अच्छे से मैश कर लिए हैं बेल को। अब इसको छन्नी में छान लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के इसको छान लेते हैं। यहाँ पर बेल को छान लिए हैं छन्नी से, जो जूस निकाले थे इसमें चीनी डाल देते हैं। शुगर पाउडर है ये 4 चम्मच डाल रहे हैं। यहाँ पर आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको घोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए पाउडर डाले हैं यहाँ पे। आधा कप पानी और डाल देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही गाढ़ा है ये। आधा कप पानी डाल दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक डाल रहे हैं चटपटा फ्लेवर के लिए, और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर है ये भी डाल देते हैं। सभी को अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पे सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुका है, शरबत बन गया है। इसको सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर ग्लास में सर्व कर लिए हैं, इसमें बर्फ डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें नहीं तो नहीं डालें, क्योंकि ये बेल अपने आप में ठंडा रहता है। सभी में नहीं डाले हैं, बस एक कप में डाले हैं। इसमें आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। बेल का शरबत बनके तैयार है। गर्मी का मौसम स्टार्ट है, आप लोग भी बना के ट्राई कीजिएगा। गर्मी में बहुत ही फायदेमंद रहता है बेल का शरबत। आपको कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।